इस साहसी भारत को आज एक नया दिन मिला है, और वह दिन क्या होगा? वैसे तो बलिहारी JNU के भारतीय छात्र जो भी उसमें पढ़े हैं उसको मौका संजोग से मिल गया उस विश्वविद्यालय में पढ़ने का भी। विशेषतर अब देखिए, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, वहीं के स्टूडेंट्स रहे, वहीं प्रोफेसर भी रहे। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी वहीं के विद्यार्थी रहे, वहीं के प्रोफेसर भी रहे। उसी में एक भारत से गरीब विद्यार्थी गया कन्हैया, छोटी सी आमदनी, एकदम गरीब परिवार का, और संजोग से वहाँ हिस्ट्री से पढ़ा, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। लेकिन वह आज तक आप लोगों को मालूम होगा जुड़ा था लेफ्ट से, लेफ्ट का वह एक नेता था, लेफ्ट का विचार उनके दिमाग में था। पर आपको एक चीज़, वैसे लेफ्ट बहुत अच्छी पार्टी है, अच्छा सिद्धांत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इनके कर्ता धर्ता जो रहे प्रारंभ में, जार हो, स्टेलिन हो, इन लोगों का हाथ खूनों से रंगा हुआ है। सिद्धांत कुछ और है लेकिन हो कुछ और रहा है। अब यहाँ से भड़क के या किसी और कारणवश कन्हैया जी आज राहुल जी का हाथ थाम लिया है, कांग्रेस में आ गया है। ठीक है, तो आप लेफ्ट और राइट, ये दो कॉन्सेप्ट आपके सामने में ये थम्स से निकल के आया है, तो कैसे यह कॉन्सेप्ट उजागर हुआ, जरा सा आप विचार करें। वहाँ शायद 16वां स्टेट जनरल लुई के प्रति जो कुछ आंदोलन हो रहा था, तो एक दिन वो सीमेंट के सबको अपने संसद में बैठाए, तो दो फार हो गया संसद, एक बैठ गया बाएं, एक बैठ गया दाएं। तो दाएं जो बैठा, तो दाएं का सिद्धांत तीन मांग था, एक कंजर्वेटिव, लिबरल और फांसी, यानी रूढ़िवाद, आज़ादी। एक जो बाएं पक्ष में बैठा, इनका भी सिद्धांत एक लिबरल ही था, लेकिन दूसरा मांग था इसका राजशाही के खिलाफ, राजशाही के खिलाफ अवधारणाएं थी, तीसरी आज़ादी तो थी ही थी। तो अब वहाँ से यह कॉन्सेप्ट उभर के विश्व के हर कोने में छिरियाया। पर आपकी भारत भाग वाली धरती रही, ये धोखे को भी सीधा फॉलो किया। आप जान रहे होंगे 1875 में कांग्रेस पार्टी की गठन हुई थी। हम तो ऐसे गैर राजनीतिक लोग हैं, हो सकता है इस पार्टी का गठन जब यहाँ आज़ादी का बिगुल फूका गया तो ब्रिटेन के महारानी के ही इशारे पर इस पार्टी का गठन हुआ, जिसके कर्ता धर्ता रहे थे बाल गंगाधर तिलक, अंबेडकर, नेहरू, ये महात्मा गांधी जी सब थे। तो उनका उद्देश्य ये रहा था आज़ादी के समय को आगे टालना, लेकिन भारत हर क्षण, भारत की धरती एक नए साफ लाल को जन्म देती है, और उस रहस्य को समझने के लिए आपको थोड़ा सा उनको आगे पीछे से पढ़ना पड़ेगा। कहिए क्या, ब्रिटेन के संसद में अंबेडकर जी ने ब्रिटेन के खिलाफ भाषण दिया, लेकिन एक भी अंग्रेज उस पर उंगली नहीं उठाया, क्योंकि वह भी एक लोकतांत्रिक देश रहा था। रविंद्रनाथ टैगोर एक बार राष्ट्र विरोधी भाषण दिया था, लेकिन महात्मा गांधी जी ने उसको गुरुदेव ही कहना चालू रखा, इसमें कोई शक नहीं है। अब आइए, नेहरू जी की करामत थी कि थोड़ा सा शेख अब्दुल्ला के भाषा बदलने के बाद उसको कैद में डाल दिया, ठीक है कैद में है, लेकिन उनका बेटा जो पढ़ रहा था विदेश में उसका खर्चा नेहरू जी अपने जेब से दे रहे थे। तो कहने वाला मीडिया, भड़काने वाला मीडिया, आपको गलतफहमी देने वाला मीडिया सिखा दिया कि ये भी मुसलमाने का खानदान है, लेकिन नहीं, नेहरू। एक चीज़ और बार बार आती है, हम लोग देखते हैं एपिसोड में, कि महात्मा गांधी ने नेहरू को ही प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया। वहाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उससे पटेल जी दुखी नहीं थे। अगर पटेल जी दुखी होते तो नवजोत सिंह सिद्धू के जैसे वो भी तो छोड़ के चला जाता। वो अस्वस्थ रहे थे, बड़े उम्र में थे पटेल जी, और क्रांतिकारी नेता थे, नेहरू के साथ ये मजबूरी नहीं थी। नेहरू एक सहनशील और वैश्विक आभा के लोग थे, इसीलिए महात्मा गांधी ने सोच विचार करके नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। तो ये तो छोटी सी बात है। अच्छा, JNU जो है, इसका नींव डाला हुआ नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है उसमें, उसी से पढ़ के कन्हैया आज अपने रास्ते पर आया। चूँकि राइट न लेफ्ट, नेहरू जी दोनों को मध्य में लेकर के आज तक चले आ रहे थे, इसीलिए शायद मल्यार्पण के एपिसोड देखने के क्रम में मैंने नेहरू जी को मिडल से संबोधन किया। पर समतावादी लोग थे, आज देख लीजिए, पत्रकार डर रही है, मीडिया डर रही है, बार बार राहुल जी से माफ़ी मांग रही है, लेकिन मैं तो कहता हूँ बेकार तू माफ़ी मांग रही है, राहुल को छुट्टी नहीं है तुमसे झगड़ा करने का।
एक मीडिया एक समय में एपिसोड बनाया था, उस एपिसोड का नाम रखा था सुन बे राहुल चुतिया। आज तक शायद राहुल गांधी ने उस पर ध्यान तंदेह तक नहीं दिया। किसका है वह खानदान? नेहरू का। और नेहरू जब अपने शरणार्थियों से भेंट करने के लिए चांदनी चौक में गया था तो एक शरणार्थी महिला उसका कलर पकड़ के पूछी, नेहरू तू तो प्रधानमंत्री बन गए, हमको क्या मिला? उसको हाथ जोड़ लिया, देखो यही मिली है तुमको, तू एक प्रधानमंत्री का भी कलर पकड़ के पूछ सकती हो कि हमको क्या मिला। ये आज का 21वीं सदी है।